दोस्तों, जब आप किचन्स बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में कुछ ऐसे ज़रूरी टिप्स बताऊंगा। इसको यदि आप लोग फॉलो करते हैं तो आपका किचन्स काफ़ी बेहतर लुक देगा। तो सबसे पहले जब किचन्स बनाते हैं तो आपका जो प्लाईवुड है वो काफ़ी बेहतर होना चाहिए। आप इसमें वाटरप्रूफ प्लाईवुड का यूज़ करेंगे और ग्रेड की बात करें तो 7010 का ग्रेड का प्लाईवुड होना चाहिए। ये प्लाईवुड आपका पूरा वाटरप्रूफ होता है और इसमें आपका कीड़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप जब भी किचन्स बनाएं तो बढ़िया प्लाईवुड का यूज़ करें। और उसके बाद जो अपना सिंक का एरिया होता है, उसके नीचे का जो जगह होता है, तो उसमें आप प्लाईवुड यूज़ नहीं करेंगे, उसमें आप PVC प्लाईवुड का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका किचन जो है पानी गिरने से आपको ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, जो ऊपर का जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट में जो हम लोग सिंक लगाते हैं, वो सिंक जो है, आप एक तरह का सिंक होता है, जो आप उसको काम करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। आपको सफाई करने के बाद सिंक के अंदर में आपका पानी सही से नहीं जा पाता है। तो आप अपने किचन्स के लिए अंडरग्राउंड सिंक का यूज़ करें। ऐसा करने से आपका काफ़ी सफाई अच्छा होता है और पानी भी आपको प्रॉपर रूप से नीचे की तरफ जाता है। और जब आप किचन्स में काम करते हैं तो कुछ पानी नीचे की तरफ गिर जाता है, जिससे काम करने में फिसलन होता है और लोग गिर भी सकते हैं। तो आप अपने किचन्स के बॉर्डर पर एक पतला करके ग्रेनाइट का पट्टी लगा के आप इसको एक बेहतर बना सकते हैं। इससे आपको कोई सफाई का प्रॉब्लम नहीं होगा और कोई गिरने का प्रॉब्लम्स भी नहीं होगा। तो दोस्तों, किचन्स का हाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब जो लोग किचन्स में काम करते हैं, जिसका हाइट 5 फुट से ज़्यादा है, तो वो अपने किचन्स को 3 फुट बना सकते हैं। और जिसका हाइट 5 फुट से कम है, तो वो अपने किचन्स को 32 इंची तक ही स्लैब का साइज़ को रखेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो है, जो छोटे लोग हैं उसको कमर में प्रेशर नहीं होगा, जो बड़े लोग हैं उसको झुकने से प्रेशर नहीं होगा। इस तरह से के साथ साथ हम लोग लैमिनेट का यूज़ करते हैं, इसमें एक्रेलिक का यूज़ करते हैं। एक्रेलिक काफ़ी अच्छा फिनिशिंग देता है, किंतु ये थोड़ा सा महंगा होता है। अब दोस्तों, अपने किचन्स में आप हैंडल ना लगा के प्रोफाइल हैंडल लगाते हैं तो आपका किचन्स एक काफ़ी मॉडर्न लुक देता है। तो दोस्तों, किचन्स में जो भी बास्केट यूज होते हैं तो वो बास्केट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ये जो 04SS का बास्केट ले सकते हैं, ये बास्केट में क्या होता है, आपका मामर नहीं पकड़ता है और ये काफ़ी अच्छा चलता है। तो आप इस तरह के बास्केट को यूज़ करते हैं तो आपका किचन्स काफ़ी अच्छा होता है। किचन्स में जो है, जो लाइंस का पॉइंट होता है, जो करंट का बोर्ड होता है, तो उसको आपको पहले ही कहाँ पे क्या आप रखेंगे, उस हिसाब से आप अपने वायर को पहले ही सेटिंग करना चाहिए। दोस्तों, जब आप किचन्स बना रहे हैं तो आप यदि कारपेंटर मेड किचन्स बनाना चाहते हैं तो आपको पहले तो सबसे पहले एक अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए, और जो आपका एक्सपीरियंस कारपेंटर है तो उससे ये काम कराना चाहिए। ऐसा कराने से आपका काम काफ़ी बेहतर होता है। तो दोस्तों, इस बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप अपने लिए एक अच्छा किचन बना पाएंगे। दोस्तों, किचन्स का जो फिटिंग्स है, किचन्स को काफ़ी मजबूत बनाता है। तो आप जो ऑटो कब्जा लगाते हैं वो जो है कंपनी का ही कब्जा लगाएं। ऐसा करने से आपको प्रॉब्लम्स नहीं होता है और ये बहुत दिन तक आपका पल्ला और शटर चलते रहेगा। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरह से फॉलो करते हैं तो आप अपने किचन्स को बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत।